सिवान शहर के चकिया रोड के डॉक्टर्स कॉलोनी में मां शैलपुत्री हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। हवन और विधिवत पूजा कराकर इस नए हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि, प्रसिद्ध चिकित्सक, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन भी किया गया। मां शैलपुत्री हॉस्पिटल के निदेशक और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर पुनीत सिंह ने बताया कि यह हॉस्पिटल गरीबों को समर्पित है। गरीब मरीजों को ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है। आर्थिक स्थिति से कमजोर मरीजों को विशेष लाभ दिया जाएगा। दो दिन पहले मुफ्त में मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया है और आगे भी जरूरत पड़ने पर लोगों को ये सुविधा दी जाएगी। सभी सुविधाओं से लैस इस हॉस्पिटल में प्रसिद्ध डॉक्टरों की टीम लोगों को सेवा देगी। देखिए, आज सिवान में मैं पहली बार ओपनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हॉस्पिटल है इसमें मैं स्पेशल गरीब के लिए ही खोल रहा हूँ। ठीक है, अमीर तो सब जगह चले जाएंगे लेकिन गरीब कहीं नहीं जा पाता है। ठीक है, इसलिए आज और कल यानी 16 और 17 में दो दिन फ्री ऑफ कॉस्ट और बिहार के प्रसिद्ध सर्जनों द्वारा, ठीक है, हमारी हॉस्पिटल MSP हॉस्पिटल बिहार के प्रसिद्ध सर्जनों द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेट किया जा रहा है गरीबों के लिए। आज भी किया जा रहा था, किया जा रहा है और कल भी किया गया। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट OPD भी है। ठीक है, और आगे भी हम लोग की प्लानिंग रेगुलर चलती रहेगी, वीकली चलती रहेगी। किस तरह के डॉक्टर? टोटल हमारे यहाँ 4 डॉक्टर्स हैं। पहला सर्जन है, जनरल सर्जन है डॉक्टर रजनीश कुमार। मैं डॉक्टर पुनीत सिंह हूँ और डॉक्टर वी सिंह हैं, जनरल फिजिशियन है, MD हैं एम्स के, और डॉक्टर बाबूदन सर हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रवीण अंसारी हैं, मैडम अपोलो की, मुंबई अपोलो से आई हैं। ठीक है, और क्या कुछ फैसिलिटीज? टोटल अभी ICU से लेके जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, एनीथिंग जो हम और अभी आगे व्यवस्था में लगे हैं कि और भी आगे लोगों के लिए सुविधा दे पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, अलग सब कुछ को ध्यान में रखते हुए कुछ अलग करने की प्लान में है। ठीक है, और अलग होगी और नया संदेश देंगे इस फील्ड को। ठीक है, धन्यवाद जी। डॉक्टर पुनीत राज सिंह। क्या नाम है हॉस्पिटल का? जी, MSP मां शैलपुत्री हॉस्पिटल। कहाँ पे ये खुला? ये डॉक्टर्स कॉलोनी है। ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि इतनी सारी सुविधा है तो कोशिश करेंगे कि बेस्ट ही दें हम लोग। तो मेरे पेशेंट्स इससे ज़्यादा खुश होते कि मैम आप इतने देर तक टाइम देती हो, इतने लंबे समय से आप बात करते हो, हमें आपसे बात करते ही समझ में आ जाता है कि आप कैसे हो। पोलाइटनेस इंपॉर्टेंट होता है ना इसमें। कोशिश करूँगी, उससे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ। फ्री में हम लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं आज के दिन, कल भी था और आज भी था, तो जो भी आया उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम लोग ने ऑपरेट किया है अब तक। मैम किस तरह के ऑपरेशन है? हिस्टेक्टॉमी किया है, नॉर्मल डिलीवरी, TNC जो भी रहते हैं ना, तो वो आज और कल के लिए हम लोग ने फ्री ऑफ किया था। हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, आप देख सकते हो जाके। जी बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले डॉक्टर पुनीत जी जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो बीच बीच में मुझे लगता है कि जब भी इनको समय मिला है तो फ्री मेडिकल कैंप से लेकर और जहां कुछ भी चिकित्सीय सलाह की बात हो, एडवाइस की बात हो, तो पुनीत जी सबसे आगे खड़े रहते हैं और सामाजिकता इनके रग रग में भरी पड़ी है। और मुझे इनको देखकर, इनके गतिविधियों को लेकर और इनके एक्टिविटी को देखकर लगता है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही कि मतलब गरीबों के लिए, अमीरों के लिए तो आप अगर छोटी सी बीमारी होती है, खांसी भी होता है, तो उनके ऊपर सैकड़ों हज़ारों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन वो गरीब जो कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी हो चाहे कोई भी हो, वहाँ 10 रुपये और 100 रुपये के लिए सोचना पड़ता है। उसके लिए पुनीत जी मतलब प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं और मेरा भी इनसे ये होगा कि ये अपना काम ईमानदारी से करें और बाकी ऊपर वाले पर समाज पीछे। चिकित्सक नहीं थे तो हमसे बहुत अच्छे समाज सेवी, और जो समाज सेवी रहता है, जिसका मिजाज समाज के प्रति समर्पित रहता है, वह जब चिकित्सक बनता है तो उसमें सेवा की भावना रखती है। और ये सौभाग्य है कि पुनीत जी उस क्षेत्र से आते हैं और शुरू से मैं इनको 10-15 साल से जानता हूँ कि इनको सामाजिक अभिरुचि जो है इनमें बहुत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनकी अभिरुचि बनी रहे और गरीबों की सेवा करते रहे।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर बी सिंह फैमिली मेडिसिन MSP हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन पे यहाँ पे आए हुए हमारे जितने भी विशिष्ट गेस्ट हैं उनका मैं MSP के मैनेजमेंट की ओर से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। माँ शैलपुत्री हॉस्पिटल का आज इनॉग्रेशन है और इस उपलक्ष पे मैं आप लोगों से दो बातें शेयर करना चाहूँगा। पहला कि सिवान में ये मैनेजमेंट इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि यहाँ से क्रिटिकल केसेज जो गोरखपुर पटना चले जाते हैं और उसमें से 90% लोग पटना जाते वक्त या गोरखपुर जाते वक्त कोलैप्स कर जाते हैं, उस कैजुअलिटी को रोका जाए बाय द ऑपरेशंस और द फिजिशियन ट्रीटमेंट्स, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी व्यवस्था यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं जो यहाँ के कैजुअल्टियों को मिनिमाइज करे। सिवान में आजकल कैजुअल्टी मिनिमाइज नहीं होता, आई नो वेरी वेल। थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशन आई रिफर टू PMCH, KGMC, PGMC। मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में देखता हूँ हमारे पास रेफर्ड पेशेंट्स ही आते हैं, भानु सर के यहाँ से, शंकर जी के यहाँ से, आशुतोष बाबू के यहाँ से, सारे पास से हमारे पास आ रहे हैं केसेस। और इसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ 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 रेफर दी रेफरल पेशेंट एट लीस्ट विच आर वांट टू गो पटना और गोरखपुर। और ये तो शुरुआत है, सेटअप छोटी सी है, लेकिन फ्यूचर में हम लोगों का ब्लूप्रिंट है कि इस सेटअप पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो अप टू कैथ लैब। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सेलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 & 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।